नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली दो क्लासेस हुई और ये क्लास सामान्य परिचय की थी, जिसमें दो पार्ट आपके पास पहुंच चुके हैं। तीसरा ये पार्ट है, बस कुछ सेक्शंस बचे थे जिन पर हमें डिस्कस करना है और उसके बाद में पुनः हम ये देखेंगे कि जो सामान्य परिचय हुआ उसकी प्रासंगिकता क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। केवल इंट्रोडक्शन ही कराया गया है, लेकिन कहाँ पहुँच गए हैं इसको स्टडी को करते करते वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आज लाए हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्री से लेकर मेंस तक में आए हुए क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के, वो इंट्रोडक्शन के पार्ट से हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं। वो आप सभी लोग, यही दो क्लासेस वो हैं, तीसरी ये क्लास है, ये करने के बाद में आराम से आप करने की स्थिति में रहेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसा बचा था पोर्शन, उस पर हम आज जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पुनः हम अभ्यास करेंगे क्वेश्चंस का जो इनसे संबंधित हैं। तो ये सब सामान्य परिचय हुआ था और आज ये देखना है कि संघ शासित क्षेत्र देख लेते हैं। अभी तक जो संघ शासित क्षेत्रों की संख्या हुआ करती थी वो सात हुआ करती थी, सात संघ, तो सात संघ शासित क्षेत्र हुआ करते थे, ये संख्या सात थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा पीछे के कुछ महीनों में कि इनकी इनमें दो संख्या और बढ़ गई है। जो पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर का भाग लद्दाख हुआ करता था, इन दोनों को संघ शासित क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। तो टोटल इनकी जो संख्या हो चुकी है अब नौ हो चुकी है। दूसरा परिवर्तन जो देखें, अभी तक जो भारतीय राज्यों की संख्या हुआ करती थी वो संख्या 29 थी। पहले 28 हुआ करती थी, जब तेलंगाना मिला तब 29 हो गई, लेकिन अब ये जो स्टेट है ये संघ शासित हो गया, तो पुनः फिर ये अब जो वर्तमान संख्या है 28 ही रह गई है। ये हमें देखना था, ये इस प्रकार का बदलाव है। तो अब संख्या ये 28 हो गई स्टेट की, राज्य 28 हो गए, ये 29 नहीं है, ये संख्या 9 हो गई, ये 7 नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ में सेवन सिस्टर्स के बारे में भी समझना है, कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो सेवन सिस्टर्स में आते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जिनकी संख्या 7 है, ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं स्टेट्स, देखो नॉर्थ ईस्ट, ये अरुणाचल प्रदेश, नंबर एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, नंबर दो नागालैंड हो गया, और नंबर तीन मणिपुर हो गया, नंबर चार मिजोरम हो गया, और नंबर पांच त्रिपुरा हो गया, नंबर छह मेघालय हो गया, और नंबर सात असम हो गया। ये जो राज्य हैं ये सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। सेवन सिस्टर्स का माने ये हुआ कि जिस प्रकार से यहां की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका जो प्रभाव है वो लगभग एक समान है, नॉर्थ ईस्ट का जो प्रभाव है लगभग एक समान होता है। तो यहां पर इन स्टेटों को सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, लगभग एक समान होता है, अधिकांश यहां ट्राइब्स निवास करती हैं, और यहीं पर ही जो ये मेघालय है, इस मेघालय राज्य में मासिनराम है, जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो होती है, रेनफॉल होती है 11,033 मिलीमीटर वर्षा होती है यहां पे, और यहीं पर गारो खासी जयंतियां, तीन पहाड़ी भी यहीं पे हैं, गारो खासी जयंतियां। तो
ये तीन पहाड़ियां हैं और तीन ट्राइब्स भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये ट्राइब्स भी, ये पहाड़ियां भी, यही सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सेवन सिस्टर्स के रूप में इन स्टेटों को देखा जा सकता है। दूसरी बात करते हैं, अब देखिएगा, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, नॉलेज तो साथ है ही है, ये इंट्रोडक्शन है, यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे लोअर पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस हो, और पीसीएस प्री मेंस आपको दिखाएंगे, यहीं से सारे क्वेश्चन बने हैं। और दो दिन पिछली क्लास और आज की क्लास, तीनों क्लासों का आप अगर दो तीन बार इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो शायद इससे ज्यादा आपको मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक्स प्लस अन्य नॉलेज को जुटाया गया है इस पे, और ये आपके लिए इनफ पर्याप्त है। देखिएगा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आपने समझ लिया कि इस प्रकार से हैं। अब देखिएगा, थोड़ा स्थिति इस प्रकार से इसकी देखते हैं कि यहां पर एक चिल्का झील है, थोड़ा पहचानने की कोशिश करते हैं, जो उड़ीसा राज्य के निकट स्थित है या उसके तट पर स्थित है, या कहें बंगाल की खाड़ी में है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। विश्व की अगर बात करेंगे, थोड़ा अगर कंपैरिजन करें कि और देखें विश्व में सबसे बड़ी झील कौन है, तो विश्व में आपको अमेरिका जाना होगा। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में देखेंगे, पांच झीलें हैं कनाडा के पास, जो यूएसए को कनाडा से अलग करते हैं। एक है सुपीरियर झील, जो भारत की नहीं, जो ये चिल्का भारत की है, वहां पर जो सुपीरियर झील है, ताजे पानी की झील है, वो सबसे बड़ी विश्व की झील है, ताजे पानी की वो मिलेगी झील। अच्छा, ताजे पानी की वो है। और इंडिया में जम्मू कश्मीर में अगर जाएं तो बुलर और डल झील देखेंगे, तो वहां पर ताजे पानी की झील मिलेगी। खारे पानी की झील की बात करेंगे तो वान टर्की में मिलेगी, और सांभर यहां राजस्थान में झील मिलेगी, जो खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी जो झील की मैं बात कर रहा था वो कैस्पियन सागर झील है वर्ल्ड लेवल पर, और इंडिया में चिल्का झील है, ये भी लैगून झील है, खारे पानी की झील है। इस तरह से देखिएगा, और थोड़ा और हम इसको पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो और देखिएगा, एक पर्वत मिलेगा आपको, यहां पर पर्वत मिलेगा जो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है अरावली। अरावली ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर है, थोड़ा समझते हैं कि राजस्थान में है। उसके बाद देखें पर्वतों के हिसाब से देखें इंडिया को, तो आपको एक पर्वत यहां पर मिलेगा, ये इस तरह से पर्वत मिल जाएगा, या इस तरह नहीं कहें तो एक पर्वत इस तरह मिल जाएगा। और इस पर्वत की एक खास विशेषता है, विशेषता यह है कि यह पर्वत पश्चिमी घाट और ये जो पूर्वी घाट लिखा है दोनों को आपस में जोड़ता है, तो इसका माने बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे ये नीलगिरी है, नीलगिरी, नीलगिरी है जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपको दोदाबेटा मिलेगी, दोदाबेटा मिलेगी। वैसे तो ये तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन इसकी सीमाएं जो हैं तीन राज्यों से लगती हैं, एक तो कर्नाटका से लगता है, दूसरा केरल से लगता है, और तीसरी बात करें तो तमिलनाडु से लगते लगता है। तो इस प्रकार से भी इसको हम पहचान सकते हैं, इंडिया को देख सकते हैं कि यहां पर पश्चिम में अरावली है और यहां पर नीलगिरी है, और सबसे दक्षिण में अगर देखें, सबसे दक्षिण में देखें तो आपको मिल जाएगा अनायमुडी, आपको मिल जाएगा अनायमुडी, अनायमुडी ये केरल में स्थित है, सबसे दक्षिण, यानी भारत की सबसे दक्षिणतम अगर कही जाए तो ये आपको पहाड़ी मिलेगी, अनायमुडी मिलेगी, पर्वत श्रृंखला। और इसके ऊपर अगर देख लें थोड़ा सा, एक और बहुत पूछी जाती है, ये है कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम ये भी केरला में स्थित है, कार्डमम, कार्डमम
ये भी केरला में स्थित है। ये मसालों के लिए फेमस है, इसमें मसाले उगाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा भारत कुछ इस प्रकार से, समझना ही है सिर्फ, और सब कुछ इसी के अंतर्गत है। देखिए, अगर हम पूर्वी घाट पे चले जाएं और पूर्व में उड़ीसा तक बढ़ें तो आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलती है जिसका नाम महेंद्रगिरी। आपको यहां पर महेंद्रगिरी मिल जाएगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़ा पहचानने की कोशिश करें तो यहां पर आप देखा कि यह पूरी पर्वत श्रृंखला है, हिमालयन पर्वत श्रृंखला। यह हिमालयन पर्वत श्रृंखला नागा हिल और यहां ये मिजोरम तक लगभग, ये इसकी पर्वत जो हिमालय पर्वत है यहां तक विस्तार है। यहां ही नहीं, अगर विस्तार में जब आपको पढ़ाएंगे आगे तब देखेंगे तो यहां भी कहीं कहीं विस्तार मिलेगा। और अंडमान में यह भी बताया जाएगा वही पर्वत श्रृंखला है, उसके कुछ उठे हुए भाग हैं जिन पर अंडमान निकोबार द्वीप है। ये तो प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप, 1,00,000 द्वीप, लाखों द्वीप, ये तो प्रवाल द्वीप है। लेकिन यहां भी जब हम हिमालय को पढ़ेंगे तब विस्तार में आपको समझाएंगे, दिखाएंगे कैसे कैसे इनकी लोकेशंस हैं। तो यहां पर सबसे ऊपर आपको बृहद हिमालय मिलेगा, उसके बाद में मध्य या मिडिल हिमालय मिलेगा, और लास्ट में शिवालिक हिमालय मिलेगा। जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जो वर्षा की मात्रा किस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, वही कंसेप्ट फिर आपसे पूछा जाएगा और आपको माइंड में आएगा कि फिर आप यही बताओगे कि वर्षा की मात्रा जब पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है तो फिर आप ही कहोगे कि वनस्पतियों की जो मात्रा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घटेगी, या कोई दूसरा आपसे पूछेगा कि वनस्पतियों की संख्या या डेंसिटी सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी हिमालय के या पूर्वी, तो आप तुरंत यही जवाब दोगे कि पूर्वी क्षेत्र में। क्यों मिलेगी? क्योंकि वर्षा की जो मात्रा है पूर्व से जो स्टार्ट होती है पश्चिम तक जाती है या घटती है, इसलिए। फिर भी आप बताओगे जैव विविधता तो बायोडाइवर्सिटी इधर से इधर की ओर कम होती जाएगी। तो ये सब कंसेप्ट के अंतर्गत आगे जो भी क्लास होंगी एक एक टॉपिक को इतना गहन अध्ययन करेंगे, इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि शायद जो मेहनत है आपकी वो बच जाएगी और समझने में बहुत बड़ी आसानी होगी। तो आपने देखा कि ये इस तरह से पहाड़ियों की संख्या है, और ये पश्चिम में अरावली है, सबसे दक्षिण में अनायमुडी है, फिर यही कार्डमम है, फिर ये नीलगिरी है, और फिर ये महेंद्रगिरी है, और यहां पर देखा गारो खासी जयंतियों की स्थिति बनती है। अब देखिएगा गारो खासी जयंतियों की स्थिति बनती है। अब इसके साथ साथ में हमें और देखना है कि थोड़ा और पहचाने अगर इंडिया को, तो आप अक्सर पढ़ते रहते हैं कि नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां जो हमेशा किधर की ओर बहती हैं, अरबियन सी में गिर जाती हैं। ये खूब पढ़ा होगा, उल्टा प्रवाह करने वाली, पूर्व से पश्चिम बहने वाली। तो इस तरह भी पहचान सकते हैं कि जो नदियां हैं इनकी स्थिति इस प्रकार है, यहां पर गिरती हैं। ये जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा इसलिए नहीं बनाती हैं, देखेंगे हार्ड रॉक्स हैं यहां पे। आगे चल के जब भूआकृति पढ़ाएंगे तब आपको ये बताएंगे कि यहां पर जो चट्टानी संरचना किस प्रकार की, मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर, ये स्थितियां। फिर बताएंगे मालवा जो यहां है ये पठारी रीजन है, ये पूरा दक्षिण भारत का पठार है। फिर ये बताएंगे कि जो महाराष्ट्र का जो एरिया है ये लावा के फैलने से, मैग्मा के फैलने से, जमने से इस एरिया, इस जो सतह का निर्माण हुआ है, इसलिए आपने कहा कि यहां पे काटन सबसे ज्यादा उगाया जाता है। फिर मिट्टी यहां पढ़ोगे तब यही कहोगे कि स्वतः जुताई कहां होती है, तो फिर आपको काली जब मृदा पढ़नी पड़ेगी तो आप यही कहोगे कि ये गर्मियों में सूख जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तो इसलिए चट्टानें टूट जाती हैं, स्वतः जुताई हो जाती है। फिर यही कहोगे कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है क्योंकि बड़ी डेंस महीन महीन कण इसमें पाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें पढ़ना, तो हार्ड रॉक है जिसके कारण इनके द्वारा कोई मलबा नहीं आता है, डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। इसी तरह अपोजिट अगर देखें जो गंगा है, गंगोत्री से निकलने वाली और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती, लगभग 2,500 किलोमीटर की जो यात्रा तय करती है, सुंदरबन का जो डेल्टा निर्माण कर रही है उसके माध्यम से जो भी मालवा आता है
जो उसके पार्टिकल्स रास्ते में आते हैं वो यहां पर पश्चिम बंगाल के पास में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी पोजिशंस बनती है और सुंदरी नाम के वहां वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरबन का डेल्टा यहीं पर पाया जाता है पश्चिम बंगाल के पास में। ये सब पढ़ना होगा, लेकिन अभी पहचान कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी आप इसकी स्थिति देखेंगे। तो ये था महाराष्ट्र जिसकी ये स्थिति। अब थोड़ा सा और राज्यों को थोड़ा और पहचानते हैं, आपने देख भी लिया और थोड़ा पहचानते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। गोवा है, देखो सबसे छोटा, आपसे कहा था मैंने क्षेत्रफल के आधार पर, और ये बहुत बड़ा पर्यटन का सेंटर यहाँ पे है, पर्यटन बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसी लोकेशंस हैं, एकदम सी का आप जाएंगे समुद्र के किनारे, देखेंगे कि यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे यहाँ सैलानी यात्री आते हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो रिसोर्स है इनकम का, वो यहाँ पर्यटन से होता है। कर्नाटक में देखेंगे बहुत सारे प्रकार की चीजें होती हैं, आपको बताया धारवाड़ है, धारवाड़ मतलब यहाँ पे एक चट्टान है जहाँ से लोहा और कोलार खान सोना, फिर कॉफी सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मक्का, मक्का यूएसए में पैदा होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा होता है, यही सब चीज़ें, केरला मसाला, केला, केला यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैदा होते हैं, तो केला, अन्य बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इनको पहचानने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। चांदी, चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान में पैदा होती है, सीसा सबसे ज़्यादा राजस्थान में पैदा होता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो अमेरिका में मैक्सिको पड़ता है, वहाँ चांदी पैदा होती है, सोना अफ्रीका में, और हीरे की बात करें तो आंध्र प्रदेश कुडप्पा खान से इधर हीरा बहुत पैदा होता है। इस तरह मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो हमें ये स्टेट टिक जाएंगे, तो टिक जाएंगे। पंजाब, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब माने ये हुआ कि यहाँ पर एक ड्रग्स की ऐसी स्थिति बनी कि जो यूथ है बहुत ड्रग्स लेता है, इसको लेकर के मूवी भी बनी। तो ये सब देखेंगे, थार का मरुस्थल देख लेंगे, यहाँ हरियाणा देखेंगे, यहीं पंजाब हरियाणा के पास 1966-67 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी वहाँ सबसे पहले, तो ये सब देखेंगे जब पढ़ेंगे सब सारी चीज़ें। और ये अपना जम्मू कश्मीर जहाँ सबसे ज़्यादा केसर का प्रोडक्शन होता है, भारत में यही एक ऐसा स्टेट है, फूलों, हिमाचल प्रदेश चमेली यहाँ पर देखेंगे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बारे में दूध आपको बताया, या और आपको यहाँ पर गेहूँ बताया, आपको यहाँ पर दूध बताया, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। फिर जब यहाँ पर हम पढ़ेंगे झारखंड और छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे छोटा नागपुर, बताएंगे छोटा नागपुर और नागपुर, और इधर झरिया, झरिया कोयले के लिए, गोडवाना लैंड बताएंगे, गोडवाना में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, और यहीं फिर पश्चिम बंगाल की चर्चा करने लगेंगे और फिर कहेंगे आपसे पश्चिम बंगाल में ही एक है नक्सलवाड़ी गांव है, फिर आपकी चर्चा करेंगे कि वो सोशल जस्टिस और सोशल इशू का उधर मुद्दा उठेगा, तो नक्सलवाद की जब बात करेंगे तो आपसे कहेंगे यहीं नक्सलवाड़ी गांव से नक्सलवाद की उत्पत्ति हुई थी, इनके अधिकार, राइट्स, जल जंगल जमीन छीने जा रहे थे, यहीं से जो नक्सलवाद है वो यहां से निकला है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लेकर के कैसे यहां पर भारत में पैर पसारा, ये सब चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक 2 घंटे का समय कैसे इसमें अंतर आता है, नागा यहाँ पर एक ट्राइब्स रहती है, इंग्लिश बोलती है, मणिपुर, ये सब जब यहाँ सब ऐसे समझेंगे तो यहाँ पर हमारा ज्ञान ठहरने की स्थिति में रहेगा, बहुत अच्छा ठहर सकता है। और फिर यही नहीं, इस चैप्टर से मैंने बड़ा लंबा इसको पढ़ाने की कोशिश की, लंबा कुछ नहीं है, लगभग 100 मिनट के अंतर्गत मैंने ये पूरी क्लास को ख़त्म करने की कोशिश किया है, और इसके साथ साथ में 100 मिनट में इससे आए हुए सिविल सर्विसेज में जो भी प्री मेंस क्वेश्चन वो भी डिस्कस करूंगा, और इन्हीं क्लास एक बार देखने के बाद में आप इनको हल करने और बताने की स्थिति में रहेंगे। आज ही हम इस चीज को लेकर डिस्कस करेंगे, आपको समझ आएगा। तो ये इस प्रकार से इनकी स्थिति बनती है, और इसको पढ़ाने के साथ साथ ये होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहां से ज्योग्राफी खुल जाएगी आपकी, यहां से करंट अफेयर खुल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप स्टेट्स की लोकेशन जानते हैं। और मैं इसीलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव बोला हूं कि इनको आप समझें, देखें, इंटरेस्ट बढ़े, और उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। तो ये हमारा प्रयास है, और जो मैं आज बता दूंगा इससे ज्यादा बाहर मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा आपको, मटेरियल मिलेगा नहीं, नोट्स के रूप में थोड़ा मैं बता, इधर भी चर्चा करते हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं, इसमें बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसका अपना नोट्स बुक बनाइए, इसमें नोट कर लीजिए, जूम करके कैसे भी हो सके इसको नोट्स बनाइए, पढ़िए, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, सिविल सर्विसेज में भी हमारे पास क्वेश्चन है 15-20,
उनको मैं डिस्कस कर दूंगा, उस दिन से स्टार्टिंग से लेकर आज तक के सारे क्वेश्चन उसमें फंसेंगे और आप बताने की स्थिति में। देखिए, विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शामिल कर लिए गए, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले फ्रांस के अधीन हुआ करते थे, फ्रांस के अधीन हुआ करते थे या पुर्तगाल के अधीन हुआ करते थे। तो प्रश्न बनते हैं वो कब कब मिला लिए गए भारत में, कब कब शामिल कर लिए गए भारत में। तो अब इनको भी एक फैक्ट के रूप में देखें, कहीं छूटे ना, इसके लिए मैंने लिख दिया है नोट्स के रूप में। बोलना थोड़ा कठिन बात थी, यहां बोल आप जूम करके इनको नोट कर सकते हैं, इसलिए ऐसा प्रयास किया कि कुछ भी ना छूटे। देखिए, तो इधर एक तरफ मैंने लिखा है कि पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र और दूसरी तरफ लिखा है फ्रांस के अधीन क्षेत्र। माने कि कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो पुर्तगाल के अधीन थे और कौन से क्षेत्र थे जो फ्रांस के अधीन थे। अच्छा, तो पुर्तगाल की पहले बात करते हैं। पुर्तगाल के अधीन में दादरा और नगर हवेली थी, सिलवासा देखेंगे। तो दादरा और नगर हवेली जो था ये पुर्तगाल के अधीन था, एक लंबे समय तक रहा। लेकिन भारत ने 1954 में इसको अर्जित कर लिया या भारत में शामिल कर लिया। दूसरा था दमन और दीव, जो गुजरात के पास आपको हमने दिखाया था, खंभात की खाड़ी बीच में है। तो जो दमन दीव है इसको हमने अंग्रेजों से या पुर्तगालियों से हमने 1961 में प्राप्त किया या भारतीय राज्यों में इसको मिला लिया। किसको? दमन और दीव को। दूसरा देखिए, थर्ड में देखिए, जो गोवा है आप देखते होंगे, आप पढ़ा भी होगा, गोवा को हमने 1961 में भारत में शामिल किया। जो प्रश्न बनते हैं इन डेट को लेकर बनते हैं, और प्लस किसके अधीन था, पुर्तगाल के अधीन था, कब मिलाया गया दो। अब देखिए, आइए फ्रांस की, अब देखिए मैंने कहा ये पुर्तगाल आपको बता दिया, अब देखिए फ्रांस के जो अधीन थे क्षेत्र जो भारत में मिलाए गए, शामिल किए गए, एक तो चंद्रनगर था। चंद्रनगर ये कहां पर स्थित है, ये अगर कोलकाता जाए, पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर आगे ये चंद्रनगर की स्थिति बनती थी। और इसको 1946 में भारत में मिला लिया गया या भारत में शामिल कर लिया गया। दूसरा देखिए, पांडिचेरी, पांडिचेरी ये पश्चिमी घाट पर मिलेगा, ये पांडिचेरी इधर मिलेगा। तो पांडिचेरी को 1954 में मिला दिया गया, ये तमिलनाडु में स्थित है। माहे उधर ही मिल जाएगा आपको, 1954 में माहे को भी मिलाया गया। और यनम, यनम आंध्र प्रदेश के पास मिलेगा, देखिएगा मैप में। तो 1954 में माहे को भी मिला लिया गया। अब देखिए थोड़ा और देखिएगा, कुछ बचे ही नहीं, बस एक बार देखिए, नोट्स बनाइए, सब खत्म हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखना है जो अक्सर छोटे से लेकर सिविल सर्विसेज तक में ये पूछा जाता है, वनडे एग्जाम से लेकर सिविल सर्विसेज तक में पूछा जाता है, बड़ा भारी पड़ जाता है क्योंकि याद रहता नहीं आपको। तो आज देखिए समझिएगा कि प्रमुख चैनल या कहें जलसंध, और तीसरा नाम इसका जल डमरू मध्य दिया गया है। कौन सा जल डमरू मध्य है या प्रमुख चैनल है, जलसंध है, और किस क्षेत्र को विभाजित करता है, विभाजित क्षेत्र कौन सा है। अब देखिए, जैसे 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं, तो 8 डिग्री चैनल विभाजित करता है मालदीव को मिनिकाय से, मालदीव को मिनिकाय से। 9 डिग्री चैनल, ये है 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकाय लक्षद्वीप। इसी तरह से 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। अब ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को, और सुमात्रा कहां है, ये इंडोनेशिया में, पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया में है। अब देखिएगा 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान व निकोबार, अंडमान निकोबार, और अंडमान में क्या, लघु अंडमान देखेंगे, और कार निकोबार, निकोबार में कार निकोबार, ये आपस में अलग किए जा रहे हैं। पाक जल संधि जो है आपको मैंने पहले बताया था, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से, और कोको जल संधि, ये नया नाम लग रहा होगा, तो कोको ये म्यांमार, जो भारत का पड़ोसी पूर्वी देश है म्यांमार, तो अंडमान को कोको द्वीप से अलग करते। अब देखिए थोड़ा सा और समझिएगा, एक और थोड़ी सी संरचना है, इसको हम बताएंगे, दिल्ली, दिल्ली के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। दिल्ली में एक क्षेत्र आता है एनसीआर का, एनसीआर दिल्ली में एक क्षेत्र आता है जिसे बोलते हैं एनसीआर। तो एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन्स।
नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो स्टेट हैं वो जुड़े हैं, या प्रश्न पूछा जाता है उन स्टेट्स के कौन कौन से, या ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं जुड़े हैं, या ये डिस्ट्रिक्ट जुड़े हैं कौन नहीं जुड़ा है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो एनसीआर में दो मेनली दो स्टेट्स ऐसे आते हैं, एक तो हरियाणा आता है, ये पड़ोसी है, इसकी सीमा भी लगती है। दूसरा आप देखेंगे यूपी आता है, यूपी आता है। तो हरियाणा के लगभग जो 13 जिले हैं स्टेट, अब डिस्ट्रिक्ट जो हैं इस स्टेट के लगभग 13 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर में लगते हैं, दिल्ली के एनसीआर में लगते हैं, और लगभग 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो एनसीआर के हिस्सा हैं। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, लेकिन जो दिल्ली राजस्थान है, राजस्थान के कुछ जिले, कुछ मतलब दो जिले, एक तो अलवर है, राजस्थान का अलवर, और दूसरा जो है भरतपुर। अलवर और भरतपुर दो ऐसे जिले हैं जो एनसीआर के हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद देखते हैं, बुलंदशहर देखते हैं, मेरठ देखते हैं, इस प्रकार के जिले लगते हैं। जो हरियाणा है, हरियाणा में फरीदाबाद देखिए, फरीदाबाद जानते होंगे, फरीदाबाद देखेंगे, गुरुग्राम देखेंगे, और करनाल देखेंगे, तो करनाल ये सब मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अब यहां समझना है कि एनसीआर होता क्या है, क्या है एनसीआर, प्रश्न बड़ा तो यही बनता। तो एनसीआर ये है कि जो पहले फैक्ट्री इंडस्ट्री हुआ करती थी वो दिल्ली में थी, और इन इंडस्ट्रियों की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से ये हुआ कि जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, ये भी बहुत तेजी से बढ़ा। दूसरी बात ये है वहां पर जो क्राउड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा, क्योंकि उसमें कामगार जो उसमें एम्प्लॉय हुआ करते हैं, जो भी जो रहते हैं, वो उनका आवागमन तो सुबह शाम का रहता है, जिसके कारण पर वहां पर बड़ी जाम जैसी स्थितियां थी, और प्रदूषण जैसी समस्याएं, और सिविलियन रहते थे। इन सब चीजों को देखते हुए इनको अलग किया गया, यानी जो मुख्य दिल्ली के आसपास का एरिया था उससे इनको बाहर करने की कोशिश किया गया, और वो हरियाणा की तरफ बढ़ाने की कोशिश किया गया, और वो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ाने किया गया, और राजस्थान के दो जिले। तो थोड़ा जो विस्तार है ये एनसीआर के जो रीजन्स, इन्हीं को एनसीआर रीजन कहते हैं। अब इस प्रकार से हमने पूरी कोशिश किया आपको सब समझाने की, और इसमें कुछ नहीं बचा। मुझे ये था ज्योग्राफी खोलना था, चाहते तो बहुत कम में समाप्त हो सकता था, और ये पूरा मैंने समाप्त कर दिया। आप कहीं भी कोई किताब ढूंढना, एक किताब कोई भी ढूंढना, इतना मटेरियल जो पढ़ाया गया वो कहीं नहीं मिलेगा, और इसलिए आपको इससे ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि मैंने बताया तो बहुत है, आखिर इसकी प्रासंगिकता क्या है, महत्व क्या है, अब चर्चा करते हैं। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अब देखिए क्वेश्चंस देखिए कैसे बनते हैं इससे। और आज आप अगर लगातार सुने हैं और पढ़े हैं तो आज क्वेश्चनों को बताने की स्थिति में रहेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 15 से 20 क्वेश्चन हैं, 15 से 20 क्वेश्चन की चर्चा करना है। जो आप देखिएगा कोई 15 में आया है, कोई 16 में, कोई 18 में, इस तरह से क्वेश्चंस आए गए हैं। आप देखिए पहले क्लास का जो ज्ञान दिया गया है उसको आप समझेंगे और कोरिलेट करिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, ये MPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में देखिएगा तो ये क्वेश्चन आया है, और ये आपने पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें दिया है कि एक बार मैं इसे मिटाने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर एक देखिए, क्वेश्चन नंबर, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर एक, तो क्वेश्चन नंबर एक में आया था भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन था नंबर ए, ए में दिया हुआ था राजस्थान, ए में दिया हुआ था राजस्थान, नंबर ए राजस्थान है, नंबर दो तमिलनाडु है, नंबर दो तमिलनाडु, और नंबर तीन है महाराष्ट्र, और नंबर चार जो देखेंगे ये आपको कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक।
अब प्रश्न ये है कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन आएगा जो सबसे बड़े क्षेत्रफल लगता है। ऑप्शन देखिएगा क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया है एक तीन चार, एक तीन चार दो। बी में दिया हुआ है एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। और आपको सी में मिलेगा, सी में मिलेगा तीन एक चार दो, और डी में मिलेगा तीन चार, तीन चार एक दो। ये इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं और क्रम लगाना है घटते क्रम में। अब देखिएगा कि क्या घटते क्रम में होगा। सबसे पहले अगर देखें तो आपको मैंने कल ही बताया है पिछली क्लास में कि राजस्थान सबसे बड़े क्षेत्रफल में है। तो अब देखिए सब में देख लीजिए कि राजस्थान, तो ये इसमें तो नंबर एक पर आता नहीं, तो इसको आप काट दीजिए। इसमें देखेंगे तो एक लास्ट में आता है, इसको काट दीजिए। दो ऐसे ऑप्शन थे हमने काट दिया जिसमें एक नहीं आ रहा था। अब देखिए एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। अब हम दूसरा देखते हैं। अब अगर आपने देखा है कल तो आपको यह मालूम होगा क्षेत्रफल किसका सबसे ज्यादा है, राजस्थान के बाद। तो नंबर एक पर यह है और उसके बाद में जो ऑप्शन दिए हैं इनके आधार पर नंबर दो आप महाराष्ट्र को लगा लेंगे, महाराष्ट्र को लगा लेंगे। अब देखिएगा ये नंबर दो पर महाराष्ट्र आता है, यानी ये जो तीसरा पॉइंट है ये सही हो रहा। तो एक मिल गया, ये तीसरा भी मिल गया, और इसमें देखेंगे है नहीं, यहां पे आता है। तो सीधा ही आप लगा देंगे कि ये वाला ऑप्शन आपने छांटा कि बिल्कुल सही है। तो नंबर एक पर राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, और फिर आता है कर्नाटक का नंबर आता है, और लास्ट में देखेंगे ये तमिलनाडु को, समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर दो की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दो आया है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य आपको पहले ही बताया जा चुका है कौन सी सीमा रेखा, यह बताया गया किस प्रकार की है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ए में अध्यारोपित सीमा है, और बी में अवशिष्ट सीमा है, सी में पूर्ववर्ती सीमा है। इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था अध्यारोपित, अध्यारोपित, अध्यारोपित। कल जो चर्चा हुई पिछली क्लास में उसमें आपको बताया था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है ये अध्यारोपित है। अध्यारोपित जब बोला था तो आपको बताया था मैन मेड है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। तो बांग्लादेश से कौन सीमा नहीं बनाता इसको जरा देख लेते हैं। तो इसमें असम है, असम, और बी को देखें, बी कहता है नागालैंड, नागालैंड, और सी को देखें तो सी कहता है मेघालय, मेघालय, और डी है मिजोरम, डी है मिजोरम, डी मिजोरम। तो आपको देखना है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। अब बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता, यहां पर इस तरह से हमने राज्य बताए थे, तो सबसे कहा था पहले अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, नागालैंड, और मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बाउंड्री पे क्या है, नागालैंड बाउंड्री पे है, और बांग्लादेश यहां पे है। तो इस ये जो है इसकी बाउंड्री नागालैंड की टच नहीं करती, नागालैंड की बाउंड्री टच नहीं करती है। असम पास में है बांग्लादेश के,
मेघालय पास में है बांग्लादेश के और मिजोरम की भी सीमा लगती है। ये देखिए, अब अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। अब ये तो बताया था सातवां स्थान है, ऐसे ही चर्चा कर देते हैं, समझ लीजिएगा आप, तो सातवां स्थान है। फिर आया है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। भारत के बारे में कौन से कथन सही है। पहला, भारत विश्व का पांचवां बड़ा देश है। भारत विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, पांचवें नंबर पर। तो पांचवें नंबर पे तो हमने आपसे डिस्कस किया नहीं, कौन सा नंबर होता है, सातवां नंबर बताया था आपको। फिर कहता है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4%, लगभग 2.4%, तो यह बात सही है, 2.4%, यह ठीक है। और इसके बाद में लिखा हुआ है कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये आया हुआ है, सब आए हुए हैं, कोई प्री में आया, कोई मेंस में आया, कोई वनडे एग्जाम, हर जगह आया हुआ है। अब देखिएगा कितने, तो आपको मैंने बताया था 8, भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आप ऑलरेडी देखते हैं। भारतीय मानक की यामोत्तर नहीं गुजरती, जो समय रेखा है भारतीय वो नहीं गुजरती है। तो देखो मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से, मैंने खींचा था यहां तक आंध्र प्रदेश, ऊपर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक खींचा था। अब देखिए कहां से नहीं गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। फिर कहता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ जाता है। फिर कहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सबसे इधर पश्चिम में जाएंगे तो उधर पड़ेगा, तो महाराष्ट्र इसमें से नहीं होगा, इससे सीमा रेखा नहीं गुजरती है। अब ये हो गया। अब देखिए इसमें और भी देखिएगा, ये तो मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप इसको मैप में देखिएगा, जो एटलस है उसमें देखिएगा जो स्टेट्स हैं उनकी कहां लोकेशंस हैं। तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि महाराष्ट्र इधर पड़ता है, आंध्र प्रदेश ये है, उत्तर प्रदेश ये है, लेकिन आपको ये देखना है। मैंने बोला था मिर्जापुर उत्तर प्रदेश यहां से गुजर रही है, यह आपको बोल दिया है, लेकिन आपको अब एटलस के माध्यम से ये सब देखना है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। देखिए भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में, यह भी पूछा गया, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कन्याकुमारी दिया हुआ है, रामेश्वर दिया हुआ है और इंदिरा पॉइंट भी दिया हुआ है, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट सबको पता है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। अब कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। देखो मेघालय, आप खोलिएगा एटलस, खोल लीजिएगा जब देखिएगा, तो आप देखिएगा मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है और मिजोरम से भी लगती है, लेकिन मणिपुर से नहीं लगती है, मणिपुर से नहीं लगती है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर से नहीं लगती। आगे देखिएगा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः, कौन कौन से देश हैं, नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं। तो एक तो नेपाल है, दूसरा भूटान है, तीसरा चीन है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, तो इसमें अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश आप पाएंगे नहीं है, मेघालय ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं, लेकिन सिक्किम देखेंगे आप तो आपको लग जाएगा। सिक्किम आप देखे थे जो बना हुआ है, ये नेपाल के पड़ोस में है और वहीं पर भूटान आपको मिलेगा और सिक्किम के ऊपर क्या मिलेगा, चीन मिलेगा, तो जाहिर सी बात सिक्किम की स्थिति है। अब आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं इनसे संबंधित। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन मेंस का है, मेंस का है। तीन तरफ, अब घुमा दिया, क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा दिया, क्या कहा, तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, यानी कौन से ऐसे देश हैं जिनसे अपने, देखिएगा अब इसमें तीन, अब देखो असम नहीं है, नागालैंड भी नहीं मिलेगा और पश्चिम बंगाल नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है। और ये क्वेश्चन आप एक बार और देख लीजिएगा,
घर पे जाके, तो आप इसको एचडब्ल्यू दिए दे रहे हैं, ऊपर समझा दिया एचडब्ल्यू हो गया क्वेश्चन, आप छांटिएगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, ये तो सब एचडब्ल्यू वाला है, लेकिन आप देखिएगा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो नेपाल के पड़ोसी, अब देखिएगा, एक तो सिक्किम भूटान दे रखा है, एक तो सिक्किम भूटान दे रखा है, दूसरा सिक्किम बिहार दे रखा है, तीसरा असम बिहार दे रखा है, और चौथा जो है डी यूपी हरियाणा दे रखा है। तो इनमें अगर देखेंगे आप, जाइए देखिएगा, तो आप यही पाओगे कि जो सिक्किम है और बिहार है, ये जोड़ा या युग्म नेपाल के साथ बहुत ठीक बना रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की सात बहनों का भाग नहीं है? आज ही आपको मैंने बताया कि सेवन सिस्टर्स कौन सी हैं और कौन, इसमें पूछ लिया कौन भाग नहीं है। तो अब देखिएगा, मैंने कहा था जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से ये सात आते हैं, अब इसमें पूछा कौन नहीं आता। देखो मेघालय आपको मैंने बताया था कि मेघालय आता है, फिर आपको हमने कहा अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर हमने कहा त्रिपुरा आता है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल दिया हुआ है ये नहीं आता है सेवन सिस्टर्स में। पुनः देखें, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो आप देखिएगा तो आप पाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आंध्रा दिया है, बी में महाराष्ट्र दिया है, सी में गुजरात दिया है और डी में तमिलनाडु दिया है। अब आपको समझना, देखो गुजरात इसमें है, गुजरात है, क्योंकि गुजरात के बाद आंध्रा आता है। गुजरात जो कच्छ वाला एरिया है, देखो जो टेढ़ा मेढ़ा जो जो बोल रहे हैं, जो कच्छ, जो ये गुजरात जो है देखिए इस तरह से बना हुआ है, तो ये इसकी अगर इसको फैला दें तो शायद इसकी लंबाई तट की और बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी। तो गुजरात का एरिया जो है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तट है, उसके बाद आता है आंध्रा वाला। नेक्स्ट, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी यूपी और डी जो है झारखंड। किन से होकर के गुजरती है, किन किन से होकर गुजरती है? तो इसमें दिया है एक गुजरात से गुजरती है, और ए में दिया है, ए ए में दिया हुआ है नंबर एक, नंबर दो, नंबर चार। क्या एक नंबर पर गुजरात, और गुजरात और उसके बाद में दो नंबर पर, तीन नंबर पर जो ए बी सी डी करके आए हैं, क्या इनसे गुजरती है? फिर कहता है कि बी एक दो तीन चार, क्या इनसे गुजरती है? फिर कहा एक तीन चार, क्या इनसे गुजरती है? फिर कहा कि दो तीन चार इनसे गुजरती है। तो अब देखिए, जो कर्क रेखा है गुजरात नंबर ए पे गुजरती है, छत्तीसगढ़ गुजरती है, बी दोनों से गुजर गई, लेकिन यूपी से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, तो सी ए बी सी, सी तीसरे नंबर पर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ था एक दो चार, ये सही है, एक पे गुजरात है, दो पे छत्तीसगढ़ और चार पे झारखंड है, इनसे गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, यह पूछा गया है, और यह पहले दिन इसकी चर्चा हुई, और इसमें देखो चार दिया हुआ ए में, बी में सात दिया हुआ, सी में डी दिया हुआ और डी में दस दिया हुआ। लेकिन अब आप समझिए, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा ना लिखा है, और लिखा हुआ है नौ, तो तटीय राज्यों की संख्या नौ है। और आज ये इसी क्लास में ये टॉपिक जो था ये, तो आज मैंने ये पूरा जो टॉपिक था इसको बड़े अच्छे से और सारे कंटेंट्स के साथ मैंने इसको डील किया और आपको समझाने की कोशिश किया। अब आपका फर्ज बनता है इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे देखते हैं, कैसे इसको नोट्स बनाते हैं और कैसे एटलस को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये अब इसके बाद में पुनः जब हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और हमारा जो पढ़ा नजरिया रहेगा वो सिविल सर्विसेज ही रहेगा। ये समझाने वाली ऐसी चीजें थी तो इसको समझाया गया, जो लिखने वाला आपको पोर्शन था उस पर मैंने बना के सारी चीजें आपको समझा दिया। देखो भाई, हमारे साथ जो टीम है, टेक्निकल टीम है, वो भी वर्क करती है, हमारे साथ जुड़े जो शिक्षक लोग हैं वो भी जो है मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का कुछ फर्ज भी बनता है कि अधिक से अधिक लोगों में क्या करें, इसको शेयर करें,
लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे टीम का भी हौसला बना रहे। और कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत किया है तो आप भी अपने लिए ऐसी ही मेहनत कर लीजिए। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।